क्या धोनी की सेना ले पाएगी गुजरात टाइटन से पुरानी हारों का बदला, देखे क्या है संभावित प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की सेना क्या ले पाएगी गुजरात टाइटन से पिछली हार का बदला और क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन और चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग टीम इस मैच में जीत के साथ आईपीएल 2023 का आगाज करे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों आईपीएल के 16 सीजन की शुरुआत होने में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। इस सीजन की शुरुआत से पहले फैंस के बीच काफी उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह है कि इस सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग टीम और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। दोस्तों एक तरफ जहां सीएसके की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के कमान हार्दिक पांड्या संभाल रहे हैं। दोनों टीमों के बीच यह मैच शाम 5:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच पिछले सीजन में कुल 2 मुकाबले खेले गए थे। इन दोनों मुकाबले में गुजरात टाइटन्स की टीम चेन्नई सुपर किंग टीम पर भारी पड़ी थी, जिसका नतीजा यह रहा कि चेन्नई को दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार दोनों ही टीमों में काफी बदलाव आए हैं, जिसके चलते धोनी की सेना को हार्दिक पांड्या का कम आंकने की गलती नहीं करेंगे। धोनी की अनुगाई में सीएसके कुल 4 बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी है, जबकि पिछले सीजन आईपीएल में पहली बार शामिल हुई गुजरात टाइटन्स की टीम पहले सीजन में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज दोनों टीमों के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वही दोस्तों चेन्नई सुपर किंग टीम के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉन में बेन स्टोक, अंबाती रायडू, मोहन अली, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, एड्रियन पेट्रोजीफ, दीपक चहर, समरजीत सिंह टीम में शामिल होंगे। वहीं दोस्तों अगर गुजरात टाइटन्स के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें शुभमन गिल, केन विलियमसन, श्रीकर भरत, हार्दिक पांड्या, मैथ्यू वेड, राहुल तेवतिया, आर साई किशोर, राशिद खान, यश दयाल, अजारी जोसेफ, मोहम्मद शमी टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी की टीम गुजरात टाइटन्स से अपना हार का बदला चुका पाएगी या फिर गुजरात टाइटन्स फिर जीत के साथ करेगी आईपीएल का आगाज? अपन व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।